हेलो डैडी, कैसे हैं आप ठीक हो बेटे? क्या हाल है? जी? डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी, आज अपने व्यूवर्स के लिए हम वापस थोड़े से परफ्यूजन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आपसे। डैडी, पूछे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ACT, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम। ACT, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइमर। जी जी, तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर दें, ये क्या होता है और इसका क्या प्रोटोकॉल है, कब यूज़ करते हैं। ACT जो एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो हार्ट सर्जरी के दौरान परफ्यूजनिस्ट को करना ज़रूरी होता है। ACT का मतबादल, जैसे अगर आप वार्ड में मरीज होता है तो आप INR करते हो, उससे आपका APTT करते हो, यानी कि खून के पतले होने की मकदार को चेक करना। तो जब हम बाईपास ऑपरेशन करते हैं तो हमें खून को पतला करना होता है, खून गाढ़ा होता है, और अगर ब्लड जैसे यहाँ से कट मारो तो निकलता है, तो आपको पता है कुछ अरसे के बाद ये जम जाता है यहाँ पे, क्लॉट हो जाता है। तो अगर वो बाहर पूरी बॉडी से निकलेगा तो उसके जो जो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तो वो तो खून सारे को जो है ना वो कर देंगे, थ्रोम्बोस क्लॉट हाँ जी बना जी जी देंगे। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए मरीज को एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो एंटी कोगुलेंट होती है, जिसमें ठीक सबसे है। बड़ी जो दवाई का नाम वो हेपरिन है, जो को खून में ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ी मकदार में दी जाती है, ताकि जब हम बाईपास करें, जैसे हम मैंने पहले बताया था, आपने बल्कि खुद बताया था, कि जब हम ब्लड ड्रेन करते हैं बॉडी से तो वो आर्टिफिशियली सर्कुलेशन जो है वहाँ पे खून जम ना जाए। जी और खून का जमना आपको, और अगर जमा हुआ खून बॉडी में वापस भेजेंगे तो आपको स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं ना। जी 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 तो उस चीज़ से बचने के लिए और सेल को एक्टिव रखने के लिए और टिश्यू के ऑक्सीजनेशन के लिए खून का पतला करना ज़रूरी होता है। वो जो मरीज़ हार्ट के, नॉर्मली वेस्पिरिन वगैरह वारफिरिन वगैरह लेते हैं घरों में, लेकिन यहाँ पे हेपरिन हम ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ करते हैं और उसके खून को पतला करते हैं। और ये काम परफ्यूजनिस्ट को रेगुलर देखना भी होता है और मेडिसिन भी देनी होती है ड्यूरिंग कार्डियोपल्मी बाईपास के दौरानी के दौरान, ताकि खून जो है ना वो ट्यूबों के अंदर जम ना जाए। तो जी ये है ACT का टेस्ट। ठीक जी। तो डैडी, आप ये बताएं कि जैसे जो पंप सक्शन वगैरह है वो कितने पे ACT हो जाए तो हम पंप सक्शन ऑन अगर कर सकते आपका ACT हैं। एक नॉर्मल, आप और मेरे जैसे बंदे का नॉर्मल ACT का जो है वो सेकंड्स में होती है, जी तो जी 120 से 130 40 के दरमियान अगर ACT आ रहा है तो ये एक नॉर्मल मरीज़ का, बगैर जी जी हेपरिन के। तो जब हम मरीज़ का खून पतला करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा खून को पतला करना होता है जी जी नॉर्मल से। तो तकरीबन हमारा कोई 450 सेकेंड से ऊपर अगर ACT का टेस्ट आता है जी जी तो फिर वो रेडी होता है कि बाईपास जाने बाईपास के पे लिए, जा करने के सकते लिए। हैं। और पंप सकर जो है, ये टर्म तो परफ्यूजनस ही समझ सकते हैं, जो पंप सकर्स वगैरह जो हम ऑन करते हैं ताकि खून को सक करना सक कर मशीन के सके अंदर, जी वो जी हम तकरीबन 250 सेकेंड से अबव जो हो जाता है ACT, तो फिर हम पंप सकर्स ऑन करते हैं ताकि मरीज़ को जब सर्जन कैनुलेट कर सके। ठीक है। अच्छा, और डैडी, अगर जैसे कोई पेशेंट है जिसके अंदर ACT आपने की है बट वो इंड्यूस मतलब कर दी है, उसके बाद आपकी जो है ACT वॉल्यूम जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, जो मिनट्स हैं, तो वही उसकी है, हाँ जी तो उसके 2 3 4 वजूहत हो सकते हैं। नंबर 1 होता है कि हो सकता है जो आपने जो मेडिसिन दी वो एक्सपायर हो। ठीक है नंबर 2 हो सकता है आपकी जो मशीन जिससे आप टेस्ट कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड ही ना हो, जी फॉल मेल फंक्शनिंग हो। नंबर 3 जो आपने वो है दवाई दी है वो मरीज तक पहुंच ही नहीं रही, हो सकता है आगे तरीबे गुला नीचे गिर रही है, जी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ठीक है नंबर 5 ये हो सकता है कि मरीज़ के अंदर जो ये जो जो हम दवाई देती हैं ये वहाँ पर, अगर मरीज़ के अंदर होता है एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर, बॉडी के अंदर फैक्टर्स होते हैं जी क्लॉटिंग जी फैक्टर्स, अगर उसकी कमी हो तो फिर भी ये आपका जो है ना ACT इंक्रीज़ नहीं होगा और ये जो दवाई काम नहीं करेगी। ठीक है ऐसी सूरत हाल में फिर आपको क्या करना होता है कि उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाना होता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 जो फैक्टर उसकी मकदार को बढ़ाने के लिए, फिर हम मरीज़ को कोई 2 यूनिट जो है ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है ना वो देते हैं। तो ठीक ये है काम हम करते हैं, फिर ACT दोबारा चेक करते हैं, और फिर ACT जब बढ़ जाती है तो फिर बाईपास पर चले जाते हैं। और इन केस मरीज़ को हेपरिन इंड्यूस एलर्जी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो वो उसका काम नहीं कर रही है दवाई, तो फिर उसकी ऑल्टरनेट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ओके ठीक है, जी जी हैव थैंक यू सो मच अ डैडी जी। नाइस गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा।